जादुई हथौड़ा। कुंडलिनी राज्य का शासन राजा अशोक वर्मा करता था। वो बहुत क्रूर था। वो छोटी छोटी गलतियों के लिए भी बड़े और अजीब सजा देकर खुश होता रहता था। एक दिन दरबार में एक सिपाही, महाराज इसने पिछले महीने लगान नहीं भरा। जब पूछा कि क्यों नहीं भरा तो कहता है कि इसे किसने बताया नहीं। हाँ महाराज, दूसरे देशों में लगान साल में एक ही बार भरते हैं, पर अपने देश का ये हाल है कि यहाँ हर महीने लगान भरना पड़ता है। हर महीने मुझे उसका रसीद मिलता है तो वो देखकर ही मैं भरता हूँ, पर इस महीने मुझे वो रसीद नहीं मिला तो कितना लगान भरना है ये जान नहीं पाया और इसलिए मैंने नहीं भरा महाराज। अरे वो घमंडी, तुम समझते हो कि तुम बहुत चालाक हो? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से करो? रसीद नहीं मिली तो क्या हुआ, आकर पता करके जाना चाहिए था। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जानते हो कि इस जुर्म की तुम्हारी क्या सजा है? झरने के पास वाले झील में पानी निकाल कर पास वाले कुएं में भरना होगा, तब तक जब तक कि वो झील सूख ना जाए। ये तो अन्याय है महाराज। उस झील के पानी को खाली करना किसी के बस की बात नहीं है महाराज। वो जीव नदी के आने वाले झरने का पानी है, वो कभी बंद नहीं होगा। इसीलिए तो तुम्हें ये सजा दिया है। चलो इसे ले जाओ। यूं वो बेचारा झील से पानी निकाल कर कुएं में डालने लगा। एक गांव में देवानंद नाम का एक व्यक्ति सब्जी बेचा करता था। एक बार उसे कर भरने के लिए रसीद आई। ये क्या, इस महीने इतना भरने को कहा है? लगता है कोई गलती हुई है। यूं सोचकर बाद में वो रसीद लेकर महाराज से मिला और महाराज मेरे महीने भर की कमाई 5,000 रुपए है। मैं हर महीने 200 रुपए कर भरता हूँ, पर इस बार 2,000 आया है। लगता है कि गलती से ये रकम लिखा है महाराज, एक बार जरा देखना। कोई गलती नहीं हुई है, तुम्हें 2,000 ही भरना होगा। 5,000 के धंधे में 2,000 कर भरना, ये तो अन्याय है महाराज। ऐसा ही रहा तो हम जिएंगे कैसे? कृपा करके प्रजा को यूं ना सताएं महाराज। अरे मूर्ख, मुझे सलाह देते हो? सिपाहियों, इससे गांव के बाहर वाले पहाड़ को तुड़वाओ। इसे तब तक तोड़ना होगा जब तक पहाड़ समतल ना हो जाए। यूं सिपाही देवानंद को लेकर पहाड़ के पास जाकर उसे एक हथौड़ा देकर वहां से चले गए। बेचारा देवानंद पहाड़ को मारने लगा। थोड़ी देर बाद थककर, हे भगवान, ये कैसी सजा है? ये पहाड़ तोड़ने में तो कई पीढ़ियां निकल जाएंगी। यूं सोचते हुए एक पत्थर को मारा, बस वो टूटकर उसमें से एक देवता प्रकट हुआ। हे मानव, इस पत्थर से निकालकर मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुम्हारी समस्या जान गई हूँ। तुम्हारा ये हाथ का हथौड़ा अब जादुई हथौड़े में बदल जाएगा। इससे तुम कुछ भी कर सकते हो। कहकर हाथ हिलाया तो वो हथौड़ा सोने के हथौड़े में बदल गया। देवानंद ने प्रणाम किया तो वो देवता गायब हो गया। फिर देवानंद के हाथों से वो हथौड़ा उछलकर उस पहाड़ को एक ही वार में तोड़ डाला। अगले दिन सिपाही आकर ये देखकर चौंक गए। ये बात जानकर महाराज देवानंद से, आखिर हुआ क्या था? ये सच है या सपना? तुमने कोई जादू किया था? तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई है। जाकर नदी पर लगे पुराने बांध को तोड़ो। तुम जिंदगी लगाओगे तो भी वो तुमसे नहीं टूटेगा। बाद में देवानंद जाने लगा तो महाराज छिपकर उसका पीछा करने लगा। बांध के पास जाते ही हथौड़ा उसके हाथ से उछलकर मार मार कर उस बांध को तोड़ दिया। ये देख महाराज परेशान हो गया, वो डर भी गया। बाद में देवानंद से, ये जादुई हथौड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? कृपा करके इससे मुझे कुछ ना करना तो तुम्हारी सजा पूरी हुई, अब तुम जा सकते हो। देवानंद ने महाराज को सब कुछ बताया। महाराज, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं भला आपकी हानि क्यों करूँगा? मुझे इस जादुई हथौड़े की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप ही रखें। इसकी मदद से आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। कहकर हथौड़े को महाराज को देकर वो वहाँ से चला गया। यूं महाराज उसे लेकर शत्रु सेना जब भी हमला करता तो उसे परास्त करने के लिए और बाढ़ के समय झील के बांध को तोड़ने के लिए और सूखे हुए पेड़ को गिराने के लिए जैसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने लगा और लगान भी कम करके अच्छा नाम कमाया। पेट रेस्क्यू रोबो। बहुत साल पहले माहिष्मति साम्राज्य का शासन राजा विक्रम वर्मा करता था।
उसके बेटे का नाम था सोनू वर्मा। विक्रम वर्मा राज्य प्रशासन से ज्यादा ध्यान शत्रु देशों में युद्ध करने में लगा रहता था। सोनू वर्मा को जानवर बहुत पसंद थे। उसके पास कुत्ते के पिल्ले, बिल्ली वगैरह बहुत सारे जानवर थे। स्कूल में भी एक सामान्य बच्चे की तरह उन सबके साथ मिलकर खेलता था, उनके साथ खाता था, उनके साथ ही गुजारता था। एक दिन विक्रम वर्मा, राजकुमार सोनू, तुम्हारे तौर तरीके ठीक नहीं है। टीचरों को घर बुलाकर पढ़ाता हूँ कहा तो तुमने मना कर दिया और तुम गरीबों के स्कूल में पढ़ने लगे। क्या तुम भूल गए हो कि तुम एक राजकुमार हो? उन गरीब बच्चों के साथ कैसे खेलते हो? क्यों उनके साथ बैठकर खाना खाते हो? दोबारा ऐसा किया तो स्कूल जाना बंद करा दूंगा, कहकर चेतावनी दी। जर्मनी के लैब में टॉम क्रूज नाम का एक वैज्ञानिक एक रोबोट बना रहा था। उसे बनाने के बाद हाथ में रिमोट को लेकर उसे दबाकर जो कहता रोबो कर देता था। रोबो रोबो प्लीज डांस। तुरंत रोबो ने बहुत बढ़िया डांस किया। एक दिन टॉम क्रूज अपने रोबो के साथ राजमहल आया। महाराजा, आपके इच्छा अनुसार हमने बहुत मेहनत से ये रोबो बनाया है। ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। जो काम हम कहेगा वो ये करेगा। रिमोट दबा के कहेगा तो वो करेगा। ये सब बातें सोनू वर्मा बहुत उत्सुक होकर सुन रहा था। उसके बाद महाराजा ने खुश होकर टॉम क्रूज को पैसे देकर भेज दिया। एक दिन स्कूल में दोस्तों के साथ सोनू खेल रहा था कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया और सोनू सोनू श्रीधर के घर में गौशाला में आग लग गई है। बहुत कोशिश करने पर भी वो आग बुझ नहीं रही है। लगता है बेचारी सारी गायें मर जाएगी। तभी सोनू को एक उपाय सूझा। तुरंत घर जाकर रोबो का रिमोट दबाकर रोबो रोबो प्लीज गो एंड पुट आउट द फायर इन श्रीधर्स हाउस। ओके ओके बॉस, कहकर हवा में उड़ गया। यूं उड़ते उड़ते श्रीधर के घर के पास उतरा। रोबो ने हाथ फैलाया तो पानी हाथों से तेजी से निकलने लगा, मानो पाइप से निकल रहा हो। उस पानी से आग बुझ गई। बाद में सोनू ने आकर रिमोट दबाकर रोबो रोबो प्लीज गो होम नाउ। ओके ओके बॉस, कहकर उड़कर चला गया। एक दिन सोनू का दोस्त आकर सोनू हमारी बकरियां जंगल से नहीं लौटे हैं, जाकर ढूंढने के लिए जानवरों से डर लगता है, प्लीज मदद करो ना। तुरंत रोबो को जंगल के पास ले गया और वहां पर रोबो से रोबो रोबो प्लीज सर्च फॉर अ गोट। ओके ओके बॉस, कहकर जंगल में आगे बढ़ा। वहां बकरियों के पास ताक में बैठे शेर और बाघ रोबो को देखकर डरकर भाग गए। रोबो एक शेर पर चढ़कर बकरियों को लेकर गांव में आया। ये देख गांव वाले सारे डर गए। शेर से उतरकर रोबो ने हाथ हिलाया तो शेर वहां से भाग गया। एक दिन एक कुत्ता अपने पिल्लों के साथ पानी में गिर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तुरंत सोनू रोबो के साथ वहां आकर रोबो रोबो प्लीज रेस्क्यू द पुअर डॉग्स। ओके ओके बॉस, कहकर पानी में कूदा और तैरते हुए जाकर उन्हें बचाया। ये जानकर कि सोनू रोबो का यूं इस्तेमाल कर रहा है, विक्रम वर्मा ने उसे दरबार में बुलाकर तुम्हें अकल है? ये सोचकर कि हम इस रोबो से कोई काम लेंगे इसे रखा था। इतने में मेरे अनुमति के बिना तुम ये सब कर रहे हो। इस रोबो को इसलिए नहीं लाया था कि तुम कुत्ते बिल्ली इन सबको बचाओ। क्षमा करे पिताजी, मैं आपकी अनुमति के बिना रोबो को ले गया। जानवर भी हमारी तरह प्राणी होते हैं ना,
उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? तभी सेनापति दौड़ता हुआ आकर, महाराज महाराज, शत्रु देश के सेना समुद्र के पास तट पर आया है, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं महाराज। फिर किस बात की देरी है, तुरंत युद्ध की तैयारी करो, उनका अंत करते हैं। क्षमा करें महाराज, वो कलिंग देश की सेना है, उनसे युद्ध करना घातक सिद्ध हो सकता है। उनसे युद्ध करने के लिए रणनीति बनाने के लिए समय चाहिए महाराज, पर अपने पास इतना समय नहीं है, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। पिताजी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास एक उपाय है। हम रोबो को सैनिक के शिविर के पास भेजकर ये सूचना लाने के लिए कहते हैं कि वे कितने सिपाही हैं, क्या क्या अस्त्र है वगैरह वगैरह। सूचना मिलने पर हम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। शाबाश शाबाश सोनू, बढ़िया सलाह दिया है। रोबो रोबो, प्लीज गो एंड फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ द एनिमी। ओके ओके बॉस, कहकर उड़कर चला गया। बाद में सैनिकों के शिविर के पास जाकर उड़ते हुए सारी जानकारी प्राप्त की। बाद में रोबो ने आकर, महाराजा महाराजा, वे सब मिलकर 1000 लोग हैं, 20 घोड़े हैं, 10 हाथी, कहकर सारी सूचना दी। उसके मदद से विक्रम वर्मा ने हमला किया और दुश्मन को मार भगाया। रोबो ने भी आग के तीर चलाकर उनके खेमे को जला दिया। पिताजी, कृपया करके आप युद्ध करना छोड़कर लोगों के हित के बारे में सोचिए, इस रोबो को अच्छे काम के लिए प्रयोग करें। महाराज ने ठीक है कहकर बेटे को आश्वासन दिया। मोबाइल एटीएम। कामतपुर गांव में एटीएम ना होने के कारण लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। उसी इलाके में बिल्ला और रंगा नाम के दो ठग रहते थे। वे दोनों जब उस गांव में थे तो दो व्यक्ति यूं बात कर रहे थे, अरे यार, और कितने दिन, अपने गांव में एटीएम नहीं आएगा क्या? अरे वही तो, मैंने कलेक्टरों को, मिनिस्टर्स को, बैंकर्स को कितने लेटर लिखे, पर अपनी किस्मत ऐसी है कि कोई अपनी परेशानी समझता ही नहीं। ये बातें सुनकर बिल्ला और रंगा ने एक दूसरे की शक्ल देखी और कोई प्लान बनाया। उसके बाद सिर्फ रंगा उनके पास जाकर, सर मैंने आप लोगों की बातें सुनी, मैं जानता हूँ कि दूसरों की बातें सुनना गलत है, मुझे माफ करें, आपके गांव की एटीएम की समस्या का मेरे पास एक हल है। आजकल उन इलाकों में जहाँ एटीएम ना हो वहाँ मोबाइल एटीएम जा रहे हैं। सत्यनाश बैंक यानी एसएन बैंक वालों ने ये प्रबंध किया है। सत्यनाश बैंक, ये क्या है? सत्यनाश अपने हिंदी वाला सत्यनाश नहीं है सर, वो जर्मनी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा में इसका मतलब है विश्वास। आप चाहो तो अभी मैं एसएन बैंक वालों से फोन करके कल ही आने को कहता हूँ, कहकर फोन किया और स्पीकर ऑन में रखा। दूर खड़ा बिल्ला फोन उठाकर लड़की के आवाज में, एसएन बैंक में आपका स्वागत है, कहिए हम आपकी क्या सहायता करें? मैडम मैं कामतपुर गांव से बात कर रहा हूँ, यहाँ एटीएम नहीं है, क्या आप यहाँ एक मोबाइल एटीएम भेज सकते हैं प्लीज? जरूर भेजेंगे सर, कल 10 बजे आपके गांव में मोबाइल एटीएम आ जाएगा। एसएन बैंक में फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। देखा, काम हो गया, जाकर गांव में सबको बताइए, वृक्षों का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए रसीद नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं ना? जी हाँ, वृक्षों का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, जब एटीएम ही आ रहा हो तो रिसीट का क्या करेंगे? वाकई आपको थैंक्स कहना चाहिए सर। अगले दिन उस गांव में एक एटीएम ऑटो ट्रॉली आ पहुंची। बिल्ला पैसे लेकर अंदर एटीएम में बैठा था। ऑटो के रुकते ही लोग उसके पास लाइन में खड़े हो गए। सर एक के बाद एक आइए, 2000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, आइए सर आइए, जल्दी आइए। यूं एक के बाद एक के कार्ड रखते ही बिल्ला अंदर से पैसे देने लगा।
मोबाइल एटीएम में ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 25,000 है। अब इसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि इसमें कैश जमा भी कर सकते हैं? आप में से कोई चाहे तो इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक तक जाकर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। रुकिए, मैं अभी जाके पैसे लेके आती हूँ। आओ भाई आओ, कोई जमा करना चाहे तो वो जमा कर सकता है। एटीएम चला गया तो एक हफ्ते के बाद ही आएगा। आपको शहर जाकर बैंक में पैसे जमा करना पड़ेगा। आइए सर, जल्दी आइए, कहकर आवाज देने लगा। बाद में गांव वाले डिपॉजिट करने के लिए लाइन में खड़े हो गए। डिपॉजिट का भी कोई लिमिट रखा है क्या सर? डिपॉजिट पर लिमिट रखने के लिए मैं क्या बेवकूफ हूँ? वो एसएन बैंक वाले जितना भी हो डिपॉजिट ले लेते हैं। इतने में अचानक बिल्ला ने जोर से छींक मारा। हच! ये क्या, एटीएम में से छींकने की आवाज आ रही है? अरे वो धूप में बारिश में घूमती रहती है ना, इसीलिए जुकाम हो गया होगा। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, वो मशीन की आवाज होगी। आइए, यूं शाम तक खूब सारा पैसा लेकर एटीएम गाड़ी वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद असली बात जानकर गांव वालों ने सिर पकड़ लिया। बाद में पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत भी की। ये प्लान अच्छा लगा तो बिल्ला और रंगा इसी को आगे बढ़ाने लगे। एक दिन एटीएम के पास लाइन में खड़ा, सर मैं 1,00,000 रुपए जमा करना चाहता हूँ, मशीन में जगह है? मुझे लगता है कि मशीन में जगह नहीं होगी। चलो रहने दे, मैं बैंक जाकर ही पैसे जमा करता हूँ। ये सुनकर अंदर से लालच में बिल्ला, जगह क्यों नहीं है, इसमें बहुत पैसे जमा कर सकते हैं, कहकर जोर से चिल्लाया। ये सुनकर वो आदमी रंगा का कॉलर पकड़ कर, ए आई एम एसपी रंजीत कुमार, तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था, कॉन्स्टेबल्स अंदर की तलाशी लो। लाइन में मफ्टी में खड़े दो कॉन्स्टेबल्स ने बाहर आकर अंदर से बिल्ला को पकड़ा। बिल्ला और रंगा को लोगों ने मिलकर खूब मारा। इसीलिए दोस्तों, मेहनत से कमाए हुए पैसों के मामले में हमें हर दम सावधान होना चाहिए, है ना?